हरियाणा के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज के नाम पर लूट पर अब सरकार सख्त है। सरकार ने मनमानी पर रोक लगाने का मन बना लिया है। निजी अस्पताल इलाज के मनमाने रेट नहीं वसूल सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग के लिए दाम तय कर दिए हैं। हरियाणा में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए अब सरकार ठोस कदम उठा रही है। इसके चलते अब हरियाणा में कोरोना टेस्टिंग के दाम तय कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की कीमत 2400 रुपए निर्धारित की गई है। ऑपरेशन के बाद घर लौटे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि निजी अस्पताल अब कोरोना के इलाज के लिए मनमर्जी के पैसे वसूल नहीं कर पाएगा। इसके लिए सरकार ने रेट तय कर दिए हैं। नहीं देखिए, कोविड टेस्ट के हमने रेट फिक्स कर दिया, 2400 रुपए से ज्यादा कोई नहीं ले सकता। उसी प्रकार से हम प्राइवेट अस्पतालों को जो कोविड के मरीज हैं वो उनको ना लूटा जाए, इसके भी हमने रेट फिक्स कर दिया। और भी हम कई कदम उठा रहे हैं, जैसे क्योंकि कोविड के केस बहुत बढ़ गए, डॉक्टरों की बहुत सख्त ज़रूरत है, 600 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट लेटर हमने जारी की। देश में कोरोना की दस्तक के वक्त एकमात्र टेस्टिंग लैब पुणे में थी, लेकिन अब सिर्फ हरियाणा में ही 15 से 16 लैब में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। हमने ये टारगेट रखा है कि हर जिले में हम एक टेस्टिंग लैब लगा रहे हैं। काफ़ी हम लगा चुके हैं, बाकियों के हमने ऑर्डर दे रखे हैं। जैसे जैसे हमें मशीनें मिलती जा रही हैं हम लगाते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें खर्चा भी बचता है और टाइम भी बचता है। बाहर पहले सारे हिंदुस्तान में एक लैब थी, सारे टेस्ट पुणे भेजने पड़ते थे, अब सारे के सारे हरियाणा में लगभग 15-16 लैबें काम कर रही हैं। बहरहाल देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग कोरोना टेस्ट करने के मनमाने रेट लगा रहे हैं। ऐसे में अगर अब कोई तय रेटों से ज्यादा पैसे लेता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।